नॉर्मल पाव भाजी तो आपने घर पे भी बनाई होगी, कभी कभी वो बाहर तो खाई ही होगी, बट आज हम बना रहे हैं स्प्राउट्स वाले पाव भाजी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है और इसे आप ईजिली घर पे बना सकते हो। कुकर में हम बनाएंगे इसे, तो बहुत जल्दी बन जाएगा और ये आप बच्चों को दे सकते हो और भी फैमिली मेम्बर्स को खिला सकते हो बहुत प्यार से। तो इसके लिए टमाटर, आलू और शिमला मिर्च, प्याज मिर्ची और अदरक ले लिया है और ये चुटकी बजाते बिल्कुल नहीं कटा है। हमने इसे रफली चॉप किया है क्योंकि हम कुकर में बनाने वाले हैं तो हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, लास्ट में हमें मैश करना है। तो कुकर में हमने लिया है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हो। साथ में मैंने जीरा डाला है, प्याज मिर्ची डाली है, इसको 2 मिनट तक सॉटे करेंगे। यहाँ पे अदरक भी डाल देंगे और फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें सब्जियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा नमक और इसको 2 मिनट तक और भूनेंगे। फिर उसके बाद कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो पाव भाजी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, और सिर्फ हल्दी यूज़ करी है मैंने और कोई भी मसाला यूज़ नहीं करना है ज़्यादा, तो इससे और ज़्यादा हेल्दी होगा। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें सारी सब्जियाँ डाल देंगे। मैंने यहाँ पे गाजर भी ऐड कर दिया था, मैंने पहले नहीं दिखाया था क्योंकि मैं भूल गई थी। और आप लोग मटर भी यूज़ कर सकते हो, बट फ्रोज़न मटर मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी यूज़ करना, इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छी तरीके से इसमें सारी सब्जियाँ डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद में, और देखो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए और कोई कलर नहीं डाला है तो कलर भी वैसा ही आ जाएगा, बिकॉज हमें इसे थोड़ा हेल्दी बनाना है इसलिए। अब यहाँ पे आया हीरो इंग्रेडिएंट, मैंने ये मूंग और चने के स्प्राउट्स डाले हैं इसमें। आप कोई भी स्प्राउट्स डालो बट मूंग और चने के स्प्राउट्स डाला है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है यहाँ पे और इसका टेक्स्चर बिल्कुल वैसा ही आएगा और टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इवन बेटर लगेगा। साथ में धनिया पत्ता डाला है और साथ में पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि कुकर में ये ज़्यादा पानी नहीं लगता है और उसके बाद में जब आप मैश करोगे ना तो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। आप कुकर में लगा के हम इसको कम से कम 6 से 7 सीटी दिलाएंगे जिससे ये अच्छी तरीके से पक जाए। और उसके बाद जब ये पक जाए तो उसकी सीट निकाल के इसको मैश कर लीजिए। देखिए पहले मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था बट मैं अब घर में बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। कुकर में आप लोग जैसे सब्जियाँ बनाते हो वैसे आप पाव भाजी बना सकते हो फॉर अ चेंज वीकेंड्स में, या फिर कुछ बर्थडे वगैरह फेस्टिवल है कभी भी। तो ये देखिए हमारी पाव भाजी हो गई ये रेडी, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। साथ में हरा धनिया डालेंगे खूब सारा, यहाँ पे आप बटर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं डाला, सर्व करने के टाइम पे डाला है क्योंकि मार्केट का बटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो कम यूज़ किया है अब यहाँ। और घी भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लादी पाव मंगा लिया था, यहाँ पे पास में एक शॉप है वहाँ मिल जाता है, तो मैंने लादी पाव यूज़ किया है। बटर से सेका है, कई लोग पाव भाजी मसाला डालते हैं बट मुझे नहीं पसंद है वो जला हुआ फ्लेवर, तो मैंने इसे बटर से सेका है अच्छी तरीके से अलट पलट के और फिर सर्व किया है। कटे हुए प्याज और नींबू के साथ में सर्व करिए, आपको बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा और फील भी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले भाजी डाल दी, साथ में थोड़ा सा बटर डालूंगी और प्याज कटे हुए और साथ में नींबू और गर्मा गर्म पाव। आपकी पाव भाजी है रेडी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, इन्जॉय।